सेटअप की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये आप इस टाइम देख रहे हैं। तो जी माशाल्लाह फीमेल बैठी हुई है अंदर और ब्लैक ग्रे जो है इसकी स्प्लिट में से है, लेकिन बड़ा खूबसूरत इसके कलर्स हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा मैं इसको करीब कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी का इलाका है, मसयाल रोड पर। यहाँ पे एक भाई के सेटअप पे आए हैं, इन्होंने घर में माशाल्लाह शो किया हुआ है, कुछ अफ्रीकन ग्रे रखे हुए हैं इनके पास, कोई थोड़े से रिंग नेक जो जिसको कहते हैं ग्रीन रिंग नेक वो रखे हुए हैं, कॉकटेल रखे हुए हैं और लव बर्ड्स हैं इनके पास, और कुछ मुर्गियों की वैरायटी है और कोई डक वगैरह है। तो आज हम इनके सेटअप पे आए हैं, तो आपको इंशाल्लाह इनका शौक भी दिखाते हैं, जो इनका ब्रीडिंग सेटअप है वो चेक कराएंगे, जो इस इनकी इन्फॉर्मेशन हुई, जो एज हुई या जो भी नाम हुआ, शायद मैंने नाम गलत लिया हो किसी चीज़ का, तो वो भी पूछेंगे भाई से। तो हमारे साथ रहिए, आपको भाई से भी मिलवाते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर, तो लेट्स गो। जी तो हम मौजूद हैं अंदर इनके केजेस में, सबसे पहले शुरू करते हैं। हसन भाई ये कौन सी ब्रीड है, इसका ज़रा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। ये अल्बाइनो, अल्बाइनो पर्सनाटा है, ठीक है। ये लव बर्ड में ही आता है? जी ये लव बर्ड में। अच्छा, इसका नाम है अल्बाइनो प्लस पर्सनाटा। जी पर्सनाटा, पर्सनाटा, ठीक है। तो ये अभी ब्रीड कर रहा है, आपके पास कोई अंडे वगैरह दिए इन्होंने? जी इसने एग्स दिए हैं, ठीक है। तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसमें अंडे जो उनसे हैच हो जाएंगे? तकरीबन 21 दिन का टाइम होता है, बाकी ठंड है, ठंड की वजह से एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके ब्रीड कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आके ब्रीड कर रहे हैं, पट्टे तैयार किए हुए हैं। अच्छा, आपके अपने तैयार किए हुए हैं? जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हसन भाई इसका बताइएगा कि ये कौन सी ब्रीड है? ये रोजी कोली है। रोजी कोली, ये भी लव बर्ड्स की एक आगे से किस्म है? जी ये नॉन रिंग बर्ड्स में आती है, और इन्हें पीच फेस भी कहा जाता है। अच्छा, पीच फेस इनको कहा जाता है, ठीक है जी। नाम तो काफ़ी सुना था इनका पीच फेस का, लेकिन देखा मैंने भी नहीं था, चले आज ये एक्सपीरियंस हो गया मैं यहाँ पे आके देख के। तो इसने कोई अंडे दिए हैं या नहीं? जी इसने भी अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। तो कितने दिन हो गए हैं तकरीबन अंडों को इससे? 4-5 दिन हो गए हैं, बाकी फीमेल बैठी हुई है बॉक्स में, ठीक है। ये कौन सा जी हसन भाई? ये आगे जो है ये पर्सनाटा ही है। ये ग्रीन वाला नहीं? अच्छा, जो ऑरेंज वाला जी पर्सनाटा है, और ये ब्लैक मास्क है ग्रीन वाला, सेपरेट पेयर्स हैं, वो पर्सनाटा का पेयर है और ये ब्लैक मास्क और ब्लू मास्क। अच्छा, ये सेपरेट है, ठीक ठीक। इनकी फीमेल्स इसकी फीमेल बॉक्सेस के अंदर, बॉक्सेस के अंदर है। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं जी, इसको ओपन कर लेते हैं जी। देखें जी माशाल्लाह फीमेल बैठी हुई है, एग्स इसने दिए हुए हैं कितने, दो अंडे इस टाइम मौजूद हैं इनके। असल में ये एक टाइम पे कितने अंडे देती हैं? एवरेज तकरीबन 4 से 5 अंडे देते हैं। इसमें एक पेयर माशाल्लाह मेरे पास मौजूद है जिसने 7 एग्स दिए हुए हैं। अच्छा, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी तरफ चलते हैं जी, ये कौन सा है यहाँ पे आपने रखे हुए हैं? ये तो 4-5 इकट्ठे एक ही केज में इनके जो चिक्स निकले हैं अभी तक, ये वो हैं 4 अल्बाइनो हैं और एक पर्सनाटा का। अच्छा, ये अभी पट्टे ही हैं? जी पट्टे हैं, ये तकरीबन 3-4 मंथ इनकी एज है। अच्छा, इनकी कितनी एज होती है ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं? तकरीबन ये 12 मंथ्स के बाद प्रॉपर ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, बाज़ जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर जो एज है इनकी 12 मंथ्स के बाद, ठीक है जी। 1 साल तक ये जो उनसे पट्टे रहते हैं उसके बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं और अपने पेयर्स वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा हसन भाई, इसमें नीचे ये मुझे सामने एक क्रीम कलर का नज़र आ रहा है, ये कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? जो लास्ट वाले में है ये भी नॉन रिंग बर्ड है, ये भी पीच फेस की एक किस्म है, नॉन रिंग बर्ड में ये आता है, ठीक है। और ये कौन सा मौजूद है? ये पर्सनाटा ही है, रिंग बर्ड है ये। अच्छा, ये रिंग बर्ड है ये, माशाल्लाह इन पेयर्स ने भी एग लेस किए हुए हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। इसके एग चेक कर सकते हैं अभी? जी कर सकते हैं जी, दिखाइएगा जी। माशाल्लाह फीमेल बैठी हुई है अंदर और दो एग्स इसके मौजूद हैं इस टाइम, तो उम्मीद है इसके में मज़ीद ये अंडे देगी जी, तकरीबन 4 तक एवरेज ये देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा हसन भाई, इसकी तरफ चलते हैं, ये कौन सा पेड़ लगा हुआ है? ये पट्टे ही हैं, ये जगह नहीं थी तो मैंने इनको इधर लगा दिए, ये भी फ्रेश ही ब्रीड में से निकले हुए पट्टे, ये भी मैंने हालांकि 3-4 महीने के लगा, 1 महीने के हैं तकरीबन। अच्छा, ये एक इनके पास बड़ा अच्छा पेड़ है यहाँ पे, हसन भाई इसको क्या कहेंगे, ये ज़रा देखने वालों को दिखाएं। ये अल्बाइनो का पेड़ है, इससे कितने अंडे हैं इस टाइम? इस टाइम इसमें 3 अंडे, ठीक है। तो ये वाइट कलर में माशाल्लाह, ये भी बड़ा खूबसूरत है इनका, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जिसने 7, हसन भाई कह रहे थे कि 7 अंडे दिए हैं। अच्छा, एक ये पेड़ है जी हसन भाई के पास, हसन भाई ये दिखाएं ज़रा इसके अंदर क्या, ये फिशर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का फिशर है, ज़बरदस्त। इसने माशाल्लाह 7 अंडे दिए हुए हैं इस टाइम मौजूद हैं, तो इसको कितना टाइम हो गया अंडे दिए हुए? ये तकरीबन वीक हो गया बैठी हुई है, ठीक है। और वही 21 to 22 डेज होते हैं इनके, ठीक हो गया। तो चलते हैं दूसरे केज की तरफ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम आ गए इनके दूसरे केज में। अच्छा हसन भाई, सबसे पहले इसके बारे में बताएं, ये कौन सी ब्रीड है?
भाई ये क्रीमिन और रिंग नेक है, ठीक है। इसके साथ फीमेल भी है मौजूद, जी फीमेल बॉक्स में बैठी हुई है इसकी, वो सेम ब्रीड की है वो भी, जी बिल्कुल सेम ब्रीड की। इसने कोई अंडे दिए? ये सेकंड क्लच के लिए अभी तैयार हैं, फीमेल बॉक्स में इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ये एगलिंग स्टार्ट कर देंगे। इसका थोड़ा सा बताइएगा इसकी प्राइस क्या होगी, कितने में ये मतलब मिल जाता है कोई बंदा लेना चाहे तो? ये तकरीबन अच्छा पेयर जो है, बाकी प्राइस पेयर की कंडीशन पे ही डिपेंड करती है, हेल्दी पेयर हो तो तकरीबन 70-80,000 के राउंड अबाउट इसकी प्राइस है। अच्छा माशाल्लाह एक्सपेंसिव पेयर है ये। अच्छा ये नीचे जो सा ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है जंगली ना लग रहा है? जी बिल्कुल ये जंगली पेयर है। ठीक है, तो इसके भी कोई बच्चे अंडे आए हैं आपके पास? अभी फिलहाल तो इसके नहीं आए, ये हो सकता है इस सीज़न की पहली ब्रीड के लिए अभी बॉक्सेज में जा रहा है, देखें बाकी। ठीक हो गया, ये नीचे भी वही है? जी ये भी सिंपल रिंग नेक है, इंडियन रिंग नेक, इंडियन रिंग नेक। और ये कौन सा है जी असल में? ये इसमें मेल जो है ये येलो और ग्रीन का स्प्लिट है, और फीमेल जो है वो सिंपल ग्रीन रिंग नेक की है। ठीक है, इन्होंने अंडे दिए? नहीं, इसकी भी फीमेल अभी बॉक्स में जा रही है इंशाल्लाह अन करीब। अच्छा फर्स्ट टाइम ही अभी ये जी, इनका भी फर्स्ट टाइम है। ठीक है, अच्छा ये जो है ये आप बता रहे थे कि सेमी हैंड टेम है ये? जी ये सेमी हैंड टेम है। तो ये मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं या किसी एक की? आप बता जी, इसमें मेल जो है सेमी है और जो फीमेल है वो जंगली है। ठीक है, इनके कोई अंडे आए? ये फीमेल अभी बॉक्स में जा रही है, बाकी इंशाल्लाह अन करीब। इनका सीज़न ये सर्दियों में ही आता है जी, इनका सीज़न प्रॉपर जो सीज़न है वो दिसंबर जनवरी से प्रॉपर स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है? अप्रैल मई के एंड तक चलता है। ठीक है, यानी साल में एक दफ़ा इनके अंडे बच्चे निकलेंगे? प्रॉपर अगर ब्रीड आप लें तो 2 दफ़ा भी हो जाती है इनकी ब्रीड। ठीक होगा, तो ये अकेला ही नज़र आ रहा है, इसकी कोई मेल फीमेल भी बॉक्स के अंदर है? अच्छा बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बॉक्स में ज़रा आपको दिखाते हैं हम। डर रही है थोड़ा सा, देखिए जी फीमेल अंदर बैठी हुई है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4 दिनों में ये भी अंडे दे देगी। तो असल में चलते हैं आगे दूसरे सेटअप पे, दूसरे केजेस की तरफ हमारा। जी तो हम मौजूद हैं इस टाइम, भाई ने कलोनी बनाई हुई है इनकी कॉकटेल्स की, तो एक इनके हाथ पे भी बैठा हुआ है। हसन भाई ये कौन सा है, इसकी कोई ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा? ये कॉमन की और ब्लैक ग्रे जो है इसकी स्प्लिट में से है। ठीक है, ये एक पेयर का बच्चा अभी बॉक्स से बाहर आया हुआ है। ये कितने टाइम का है? ये तकरीबन है 1.5 से 2 महीने के दरमियान का। ठीक है, और इसको अडल्ट होने में कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन अडल्ट है, बस 3-4 दिन में खुद सेल्फ फीड पे आ जाएगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ब्रीड्स हैं आपके पास ये? इसमें कॉमन वाइट भी है और इनो भी है और ग्रे भी है, स्प्लिट भी हैं ग्रे के, ग्रे और वाइट के स्प्लिट्स भी हैं। ठीक हो गया, और असल भाई इसका थोड़ा सा प्राइस का बताइएगा कि इसका जो अडल्ट पेयर होता है वो कितने प्राइस तक मिल जाता है मार्केट से? जो इसमें ग्रे है तकरीबन अडल्ट जो ब्रीडर पेयर होता है उसकी 3500 से 4000 के राउंड अबाउट प्राइस है। फिर इसमें जो कॉमन वाइट है ये तकरीबन जो अच्छा पेयर है 5000 से 5500 के राउंड अबाउट होता है। और फिर ये आप इस साइड पे करें, ये अल्बाइनो है इसमें जिसे वाइट भी कहते हैं, इनो भी कहते हैं वो, ये वाला पेयर जो है ये सही ब्रीडर पेयर हो तो 9 से 10 हज़ार रुपये इसकी प्राइस है। सही है, देखें जी माशाल्लाह हसन भाई ने अपनी कॉलोनी में ये एक थर्मामीटर भी लगाया हुआ है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो हसन भाई टेम्परेचर का इसका कितना चाहिए होता है, थोड़ा सा ये भी बता दें हमारे देखने वालों को, मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इनका? वैसे तो डायरेक्टली इन्हें हवा ना लगे तो इनका सिस्टम चल जाता है, लेकिन अच्छा ये है कि 15 से ऊपर हो तो ये अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं, इससे नीचे हो तो फिर इनके लिए थोड़ी टेंशन होती है। ठीक है, और गर्मी में इनकी कितना टेम्परेचर होना चाहिए? गर्मी में तकरीबन 30 से 35 तक ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर इनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाता है। आप उसमें फिर इन्हें डाइट दे के, ठंडी डाइट दे के आप इनको केयर कर सकते हैं इनकी। ठीक है, ठीक हो गया। तो चलते हैं हसन भाई हम आगे, अब आपके ग्रे नेक की तरफ थोड़ा सा वो उनका शौक कराते हैं। जी तो हसन भाई के सेटअप की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये आप इस टाइम देख रहे हैं, तो इसके बारे में पूछते हैं हसन भाई, ये क्या ब्रीड है, क्या नाम है इसका? जी ये अफ्रीकन ग्रे है भाई। अफ्रीकन ग्रे, तो ये असल में कितनी एज है इनकी? ये तकरीबन 7 ईयर्स का है पेयर। ठीक है, तो इनकी कोई ब्रीड आपके पास आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 चिक्स की एवरेज ये ब्रीड देते हैं। साल में? नहीं साल में नहीं, सीज़न में एक क्लच जो होता है वो 3 चिक्स का एवरेज होता है, बाजू का 2 भी होते हैं, बाजू का 4 भी होते हैं। ठीक है, तो ये सीज़न में जो क्लच होते हैं वो साल में 2 क्लच निकलते हैं? 3 क्लच भी लिए जा सकते हैं, पर उसमें बर्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर 2 क्लच लेते हैं तो बर्ड भी हेल्थी रहता है और जो ब्रीड है वो भी अच्छी होती है। ठीक है, तो हसन भाई इसका मुझे बताइएगा देखने वालों को कि मुझे भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बोल कौन सा है, ये बोलता भी है? जी ये बोलता भी है, ये कोई भी बात है वो आपकी कॉपी करके बोलता है। ज़बरदस्त जी माशाल्लाह। तो मुझे बताइएगा इसकी प्राइस रेंज क्या है, कितने में का ये मिलता है, इसकी क्या कोई इस टाइम कीमत होगी?
इसमें अगर आप चिक्स लेते हैं सेल्फ चिक्स तो वो तकरीबन 60,000 के राउंड अबाउट मिल जाते हैं, और अगर आप पेयर की तरफ आते हैं ब्रीडर पेयर की तरफ तो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक ब्रीडर पेयर की प्राइस है। ठीक है, तो असर भाई इसका कोई इरादा है आपका सेल करने का इनका या इनके चिक्स का? जी चिक्स तो अभी भी इस क्लच के भी 2 चिक्स मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ, 1 चिक अभी मौजूद भी है। तो ये कितने का इसका बच्चा सेल हो जाता है? अभी इसका बच्चे जो हैं वो तकरीबन 1 मंथ के हैं, इस कंडीशन में इनकी प्राइस 45,000 से 50,000 तक है। ठीक है, एक ये पेयर हो गया आपके पास और दूसरा ये पेयर है, तो इसका भी सेम वही नाम है जो अभी आपने बताया ग्रे, इसका जी अफ्रीकन ग्रे। ठीक है, इस ये भी अभी अडल्ट है, ब्रीडर है या क्या है ये? जी ये फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह ब्रीड करने वाला है, इसी मंथ में इंशाल्लाह फीमेल इसकी एग लेइंग स्टार्ट कर देगी, फीमेल बॉक्स में जा रही है। ज़बरदस्त, इनकी भी तकरीबन 6.5 साल एज हो चुकी है, तो एज पूरी है इनकी, अब बस देखें अल्लाह पाक खैर करें तो इंशाल्लाह इसकी भी फर्स्ट ब्रीड आने वाली है। चलिए जी अल्लाह खैर करे। हसन भाई मुझे ये बताइएगा कि इन फ्यूचर अगर ये आपको सेल करना हो या कोई बंदा लेना चाहता हो इसके बच्चे, तो आपका कोई इरादा है सेल करने का या इसके बच्चे सेल करने का? जी बिल्कुल सेल करते हैं, हम पहले भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, किसी ने लेना हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा हसन भाई, अगर आप आपको कोई मसला ना हो तो हम आपका नंबर स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं जिस पे लोग आपसे कांटेक्ट कर लें? जी कर सकते हैं बिल्कुल। अपना नंबर आप प्लीज़ बता दें। 0331-55-90-678 678 जी। तो देखें माशाल्लाह आपने शो के इनका सबसे जो स्पेशल चीज़ है इनके सेटअप पे मुझे जो पसंद आई है वो ये है। अच्छा कोशिश करते हैं कि इसका बच्चा देखने की, इसका बच्चा इसके बॉक्स में मौजूद है इस टाइम? जी मौजूद है, मेल फीमेल बहुत गुस्से में आ जाते हैं पर हम कोशिश करते हैं कि आप चलें हसन भाई ज़रा कोशिश करें देख नज़र आ जाए बच्चा में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। हसन भाई ये कितनी एज होगी इसी बच्चे की भी? ये तकरीबन 28 डेज का है इस वक्त। ठीक है, अच्छा ये ठीक है आप बंद कर दें इसको। ये देखने में मुझे ऐसा फील हुआ है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बाकी परिंदों से थोड़ी सी स्लो होती है, ऐसी है? जी बिल्कुल ऐसी है, ये तकरीबन सेल्फ पे 3.5 से 4 मंथ में जाता है, वैसे नॉर्मल बर्ड का बच्चा 2.5 महीने में सेल्फ पे हो जाता है, ये तकरीबन 1.5 महीने का जब होता है तो इसके फीदर्स आना शुरू होते हैं। ठीक है, इसको ये हैंड टेम हुए या नहीं हुए? ये सेमी टेम है, हैंड टेम तो नहीं है, हैंड टेम बर्ड जो है वो नुकसानदेह होता है ब्रीड के लिहाज से, वैसे रखने के लिए अच्छा होता है। हैंड टेम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आता है कि अगर आपकी फ़ीमेल एग्स पे बैठी है तो हैंड टेम हो, जैसे ही आप आते हैं केज के अंदर तो वो फ़ौरन से एग्स से उठ के बाहर आ जाती है और उस वजह से एग्स अनफर्टाइल हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें ना वाइल्ड अच्छा रहता है और ना ही टेम अच्छा रहता है, इसमें सेमी टेम जो है वो सबसे बेस्ट होता है। वाइल्ड का ये है कि वो जैसे ही आप केज में आते हैं तो वो घबरा जाता है, उसकी वजह से भी एग्स जो है वो आपके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, चलें जी हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं हम इनकी मुर्गियों की सेटअप पे। मुर्गियों का सेटअप भी माशाल्लाह इनका काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हसन भाई को इतनी इन्फॉर्मेशन मुर्गों की नहीं है, शौक़ नहीं है, मेरे भी कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब का शौक़ है तो वो अभी यहाँ पे घर पे मौजूद नहीं है, नहीं तो उनसे भी आपको मिलवाते और इनकी इन्फॉर्मेशन लेके देते। तो ये एक मुर्गा मुझे बड़ा खूबसूरत लगा तो इसलिए मैंने कहा इसको स्पेशल पिंजरे से निकाल के तो फिर आप लोगों को दिखाऊँ। हसन भाई ये पता है ये ब्रीड है कौन सी है सिर्फ इतना? मियाँ वाली जावा बोलते हैं इसको? अच्छा ये हमें कंफर्म नहीं है जी, उम्मीद है कि ये जावा ही होगा, लेकिन बड़ा खूबसूरत इसके कलर्स हैं। तो अगर आप ये थोड़ा सा मैं इसको करीब करके दिखाता हूँ, इसकी खूबसूरती देखें, इसके कलर्स देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। जी तो आपने देखा है माशाल्लाह हसन भाई का शौक काफ़ी खूबसूरत, इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, यहाँ पे पैरट्स रखे हुए हैं जिसमें ग्रीन रिंग नेक है, अफ्रीकन ग्रे है जो सबसे स्पेशल चीज़ है इनके सेटअप की, फिर काफ़ी अच्छे लव बर्ड्स हैं जिन्होंने ब्रीड्स किया हुआ है, कॉकटेल्स हैं वो भी बड़े खूबसूरत थे, और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं मुर्गियों का सेटअप है। थोड़ा सा इसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सके क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि हसन भाई को इसका ज़्यादा पता नहीं है, ये शौक उनके वालिद साहब का है। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए नई नई वीडियोस ऐसी लाते रहेंगे। और एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि जो लोग वीडियो देखते हैं, जिन लोगों ने अपने घर पे कोई चीज़ें रखी हुई हैं जो शौक कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी परिंदे का, जानवर का, कोई भी उसमें हो जाए कोई, तो अगर आप लोगों को अपने घर की सेटअप की वीडियो बनवानी हो तो मैं अपना नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, ये नीचे स्क्रीन पर नंबर मेरा आ रहा होगा, तो इस पर मुझे आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह हम आपके घर पर आएँगे, आपके सेटअप पर आएँगे, उसकी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा नीचे। और थोड़ी सी शिकायत मुझे ये है कि लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि सब्सक्राइब कर दिया करें हमें लाजमी, ताकि इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पेट्स का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।